बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक की है और सपा प्रदेश कार्यालय पर यह बैठक हो रही है, जहां पर विधान परिषद सदस्य के चुनाव पर यह बैठक की जा रही है। तो विधान परिषद के चुनाव होने हैं जिनको लेकर यह बैठक की जा रही है। चार चार जिलों के एमएलसी उम्मीदवारों के साथ बैठक है। 15 मार्च से एमएलसी पद का नामांकन होगा, जिसको लेकर यह बैठक की जा रही है। तो आपको बता दें कि 9 अप्रैल को एमएलसी का मतदान होना है और लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर जारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बैठक की, एमएलसी चुनावों को लेकर तैयारी शुरू। सपा की तरफ से भी सपा प्रदेश कार्यालय पर यह बैठक हो रही है और खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। विधान परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर यह बैठक की जा रही है। चार चार जिलों के एमएलसी उम्मीदवारों के साथ ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि 36 विधान परिषद सीटों के लिए ये चुनाव होगा और इसके साथ ही 9 अप्रैल को चुनाव होगा, 12 अप्रैल को मतगणना होगी और एमएलसी चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां अपनी तरफ से तैयारी में जुटी हुई हैं। अभी हमने आपको बताया कि बीजेपी कार्यालय में बैठक है शाम को 7 बजे और वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक ले रहे हैं। तो नरेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, यहां पर अभी हमने सुना था कि बीजेपी की तैयारी चल रही है एमएलसी चुनावों को लेकर, लेकिन सपा भी पीछे नहीं है, उसने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बैठक जारी है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बैठक बुलाई है जिसमें एमएलसी के चुनाव को लेकर चार चार जिलों की एक साथ बैठक हो रही है और उसमें प्रत्याशियों का नाम फाइनल किया जा रहा है और पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से चुनाव कराया जाए। क्या करीब 5 से 6 ऐसे एमएलसी हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनकी जगह उन्हें दूसरे प्रत्याशियों को की तैयारी करनी होगी। पूरी तरीके से क्षेत्रीय समीकरण और तमाम चीजों को लेकर अखिलेश यादव खुद तमाम संभाले हुए हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बैठक कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो नाम फाइनल करना है, ये बड़ा मुद्दा है समाजवादी पार्टी के लिए, किसका किसका नाम समाजवादी पार्टी चुनाव में एमएलसी के लिए सामने लाती है। जी चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नरेंद्र। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।